इमेजिन कीजिए अगर शादी के बाद आपको सुहाग रात में जैज करना हो। I don't know about that, but फिलहाल सीरियल दिया और बाती हम में छोटू और आरजू मना रहे हैं अपनी सुहाग रात। I really want to know क्या इनकी सुहाग रात जैसी है। अरे 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 आहा देखिए इस मुश्तंडी दुल्हन को, छह फुटिया भाबों की दुल्हन को, तंदुरुस्ती की मिसाल ये आरजू दुल्हन को। पलंगकोट सुहागरात जब पहुंचा दिया और बाती के सेट पर तो यहाँ आरजू छोटू की बाहों में गिरी हुई थी। अरे भाई जरा बिस्तर पर भी गौर फरमाइए, देखिए कैसे गिरते ही टूट गया। लगता है खटी की लकड़ी पुरानी हो गई। नहीं नहीं ये नई दुल्हन शायद थोड़ी भारी हो गई। मौका था छोटू और आरजू की सुहागरात का, लेकिन ये तो किसी ने भी ना सोचा था कि पलंग ही टूट जाएगा और इनके गिरने की आवाज से पूरा राजी परिवार जाग गया। कैसे गया? मैं गड़बड़ पे गड़बड़ करे जा रही हूँ, उल्टे काम करे जा रही हूँ, बार बार चोट पहुँचाए जा रही हूँ। और जैसे ही मैं उनके लिए हैंकी लेने गई और मेरा पैर उन किसी चीज़ में अटका और मैं उन पे गिर गई, और जैसे ही हम दोनों बेड पे गिरे तो बेड टूट गया। अबे कुछ भी कहिए ये फनी लेकिन रोमांटिक सीन था, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए गिरते ही दोनों कैसे एक दूसरे में खोसे गए, बाहों में बाहें डाले, बस टुकुर टुकुर निहार रहे हैं। वैसे आज आरजू और छोटू की सुहागरात है तो ऐसे में सूरज बाबू भी रोमांटिक हो गए हैं। तभी तो भाबो और बाबा सा से छुपा कर अपनी संध्या के लिए गुलदस्ता और तोहफा लेकर जा रहे हैं, और भाबो थोड़ी सी परेशान है क्योंकि संध्या बींदनी पेट से जो है, संध्या बींदनी जो पेट से है वो उसके लिए मतलब कि थोड़ी सी नज़दीकियाँ कम होनी चाहिए। जो दिया और बाती है वो ऐसी थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ है, वो इतना नहीं बता सकते। अब शर्म आती है ना ये सारी बातें कहते हुए। तो भाई भाबो आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, संध्या बिंदनी पेट से जो है, लेकिन संध्या बिंदनी काफी कुछ आपसे छुपा रही है। हाँ जी आरजू की पाकिस्तानी होने की सच्चाई कब और कैसे भाबो के सामने संध्या लेकर आती है देखना दिलचस्प होगा। आकिब खान, मुंबई आज तक।